नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AIIT पुणे के बारे में, जो कि यार काफी ज्यादा तगड़ा कॉलेज है आपका पुणे का। इसके अलावा यार अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल टर्म्स में बताऊं तो यार प्लेसमेंट में COEP जैसे कॉलेज को भी काफी ज्यादा टक्कर दे रहा होता है। तो यार इस कॉलेज के बारे में हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसमेंट आप लोगों को लेटेस्ट बता रहा हूँ सारी की सारी, इसके साथ साथ यार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, कैसा हॉस्टल है, कट ऑफ क्या चल जाती है, ये सारी चीजें यार वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इसके अलावा यार हमने ऑलरेडी VGDI को कवर कर रखा है, उसकी वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सारे के सारे यार IIIDs के हमने 2024 के लेटेस्ट अपडेटेड रिव्यूज बना रखे हैं और यार NIDs को भी हम साथ के साथ अब कवर कर रहे हैं, तो उनके वीडियोस को नहीं चेकआउट किया यार यहां पे आप लोग को सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, तो उनको भी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम यहां पे जल्दी से स्टार्ट कर रहे होंगे। यहां पे आप लोग देख सकते हो यार ये इस कॉलेज का पर्टिकुलरली लोगो है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के बारे में बात करने वाले हैं। ये इस कैंपस की यार मैंने बहुत बढ़िया सी फोटो यहाँ पे लगा रखी है। इंट्रोडक्शन पे बढ़ेंगे जल्दी से, तो यार आपका कैंपस एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। नेट रैंकिंग की बात करें 151 से 200 के बीच में स्लैब में रहती है, लेकिन यार उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है अपन को। अपन जल्दी से यार आगे बढ़ेंगे मोड्स ऑफ एडमिशन के ऊपर। मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करें सिंपल रहता है यार, यहाँ पे JEE मेंस के बेसिस पे ही एडमिशन हो रहा होता है, आपका यार MSTCT वगैरह के बेसिस पे नहीं हो रहा होता है। इसके अलावा यार आपका AIIT पुणे की अलग से काउंसलिंग होती है, जो कि यार आप लोगों को मैं आगे डिटेल्स बता रहा हूं कि स्टार्ट वगैरह हो चुकी है, अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बताऊं तो वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। यहां पे यार इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पर्टिकुलर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हो, कंप्लीटेड मिनिमम 10 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन इंडियन आर्मी। एज की बात करें तो यार फुलफिल करना चाहिए आपका JEE मेंस का क्राइटेरिया जो होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पे बता रखा है 45% का यहां पे यार आपके इन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यार जो AIIT का एप्लीकेशन फॉर्म है वो पर्टिकुलरली स्टार्ट हो चुका है, यहां पे अगर मैं बात करूं 15 फेब से आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे वहीं पे यार आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो फीस रहने वाली है दैट इज ₹750 और लास्ट डेट जो है आपकी 15th of April है विदाउट आपकी लेट फीस, और अगर आप लेट फीस सबमिट करते हो दैट इज ₹500 एक्स्ट्रा, तो 11th मई तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे, दैट इज आपका 1250 का आपको फिर फॉर्म पड़ेगा। तो ये हो जाता है यार मोड ऑफ एडमिशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में सारी चीजें बता दी हैं। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोर्सेज को देख रहे होंगे। कोर्सेज यहाँ पे 5 कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, पहले सिर्फ 4 ही थे। इस साल जो एड हुआ दैट इज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, पहले यार आपके कंप्यूटर साइंस, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, IT और मैकेनिकल देखने को मिल जाते थे। इन्हीं की यार सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ओवरऑल सीट मैट्रिक्स है। 480 स्टूडेंट्स को इनटेक ले रहे होते हैं, तो ज्यादा इनटेक नहीं देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा बढ़िया चीज होती है यार किसी भी कॉलेज की। अब यार इन्हीं की हम पर्टिकुलरली कट ऑफ भी देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पर्टिकुलरली यार राउंड 1 की कट ऑफ है। 2 राउंड होते हैं, एक राउंड 1, राउंड 2 इज बेसिकली फाइनल राउंड। ये राउंड 1 की कट ऑफ मैंने दिखा रखी है क्योंकि राउंड 2 की कट ऑफ एज सच कहीं पे भी मेरे को नहीं मिली, तो इससे एक आप लोग आइडिया ले सकते हो कि आपकी कट ऑफ जाती है। ये पर्टिकुलरली JEE मेंस की है, ठीक है। और यहाँ पे यार एक चीज इनकी वेबसाइट पे जो मेंशन थी कि यार जो लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट्स था उसकी रैंक थी 1,89,000, जो कि डेफिनेटली यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा यार आप लोगों का JEE मेंस के बेसिस पे आपके यार बोनस वेटेज मिलती है गैलेंट्री अवार्ड्स और वॉर विडो वगैरह को, तो उस पे यार आपकी एक AIIT रैंक दी जाती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलरली कट ऑफ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। तो ये बेसिकली मैंने सारी कट ऑफ के बारे में बता दी है, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, नहीं तो ये प्रॉपर PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो जाता है यार कट ऑफ के बारे में, सारी चीजें मैंने कवर कर दी। अब आ जाते हैं अपनी मेन चीज पे, दैट इज प्लेसमेंट्स। और यार प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारा डाटा है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो यार आपका हाईएस्ट पैकेज आता है दैट इज 52 LPA, जो कि यार क्रेड ने दिया था, काफी ज्यादा बढ़िया पैकेज मान जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करूं 14.20 LPA है ओवरऑल आप लोगों का। मीडियम पैकेज की बात करूं 12.50 LPA है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा तगड़ा है। आपके काफी सारे यार IIIDs हो गए, काफी सारे NIDs हो गए, और भी यार जितने आपके MSTCT के कॉलेजेस होते हैं काफी आपके कॉलेजेस को टक्कर दे रहा होता है मीडियम पैकेज के मामले में। 96% ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, जो कि अगेन बहुत बढ़िया नंबर है। 89 कंपनीज आई थी यहां पे इस साल रिक्रूट करने के लिए। 8+ पॉइंटर आपका सेफेस्ट रहता है, जिससे आप सारी कंपनीज के कोडिंग राउंड में बैठ पाते हो, जो कि यार आपका फर्स्ट राउंड रहता है। इंटर्नशिप मिल जाती है, PPO भी मिल जाता है। PPO होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब अगर यार आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो और उस कंपनी को आपका काम पसंद आता है वो आपको डायरेक्ट हायर कर लेते हैं, उसे हम PPO बोल
बोलते हैं। बाकी यार यहाँ पे कुछ तगड़ी तगड़ी कंपनीज जो आती हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस देती हैं उनकी बात करूं तो क्रेड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्रायलॉजी, डर्बा, इसके बाद यार सिस्को, गोल्डमैन सैक्स, रैपिडो, बीएनवाई, मेलन, ड्यूश बैंक, लोअस इंडिया, इटलाशियन, जेड एसोसिएट, बार्कले, ऑप्टम, एकोलाइट, फेनेटिक्स, एटमबर्ग, यार काफी ज्यादा तगड़ी तगड़ी कंपनीज है जो बहुत बढ़िया पैकेजेस दे रही होती है जो मैं आप लोगों को आगे दिखा रहा हूँ। इसके बाद यार परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस, ये यार पर्टिकुलरली हर एक ब्रांच में बता रखा है, कंप्यूटर साइंस में आपका 98, ENTC में 98, मैकेनिकल में 95, IT में 91 परसेंटेज। इसके बाद आगे बढ़े यहाँ पे आपकी यार लास्ट काफी 5-6 साल की मैंने डाटा आप लोग को दिखा रखा है, आप लोग देख सकते हो यार कैसे ग्रोथ हुई है, इनकी एवरेज पैकेजेस में भी ग्रोथ हुई है और मीडियन पैकेजेस में भी ग्रोथ हुई है। डेफिनेटली यार बहुत रैपिड वे में यार ये ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे यार सारी चीजें आप लोग देख पाओगे, कितने यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए 271, 96 परसेंटेज प्लेस हुए, 52 आपका हाईएस्ट पैकेज है, 14.20 एवरेज और 12.50 आपका मीडियन पैकेज है। इसके बाद यार पर्टिकुलरली आपका यार ब्रांच वाइज भी यहाँ पे सारा डाटा मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, आपका यार सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 98% प्लेस हो जाते हैं, 52 लाख हाईएस्ट एसी में और 16 लाख एवरेज आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चल जाता है। ENTC की बात करें तो यहाँ पे 12.50 आपका एवरेज चल जाता है, बाकी डाटा भी आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद यार मैकेनिकल की बात करें 10.15 आपका एवरेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15.90 है, तो सब आपकी ब्रांचेस में यार 10 LPA से ऊपर का एवरेज देखने को मिल जाता है। इसके बाद यार यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता रखा है कुछ टॉप की कंपनीज, उनके पैकेजेस भी दिखा रखे हैं प्रॉपर, इस चीज का यार मैं PDF का लिंक डाल दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में जो उनकी वेबसाइट पे गिवन था, जहां पे सारी कंपनीज ने कितने बच्चों को हायर किया, क्या पैकेज दिया, वो सारी चीजें आप लोग को दिख जाएंगी। देख सकते हो यार क्रेड ने 52 LPA दिया और यहाँ पे यार टोटल 4 बच्चों को हायर किया, गूगल ने 3 बच्चों को हायर किया, 49 LPA का पैकेज दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने टोटल 8 बच्चों को हायर किया, 48 LPA का पैकेज दिया, सिस्को ने यार यहाँ पे 4 बच्चों को हायर किया, 27 LPA का पैकेज दिया, गोल्डमैन सैक्स ने 3 बच्चों को हायर किया, 24 LPA का पैकेज दिया। तो ऐसी लिस्ट गोज ऑन, यहाँ पे यार सारी चीजें आप लोग देख पाओगे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो ये हो जाता है यार प्लेसमेंट्स के बारे में, मैंने सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से बता दी है। मेरे को लगता है यार प्लेसमेंट में आप लोगों को कोई भी डाउट रहा होगा कि यार प्लेसमेंट इसकी अच्छी नहीं है, डेफिनेटली यार कुछ आपकी मास रिक्रूटर कंपनीज भी आती हैं, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट्स भी हो ना तो भी यार डेफिनेटली आप 10 लाख से ऊपर का पैकेज उठा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ अगर आप पढ़ाई नहीं करने वाले, एक मीडियोकर लेवल पे रहोगे तो डेफिनेटली यार कि आप लोगों को एक मास रिक्रूटर कंपनी ही उठा के यहां से जा रही होगी। तो ये हो जाता है प्लेसमेंट के बारे में। आप जल्दी से आते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं स्प्रेड अक्रॉस 30 acres का कैंपस, क्लास, लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती है, फैकल्टी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, वाईफाई नेबल कैंपस है, गुड स्पीड देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स की बात करूं तो फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम, टेबल टेनिस, स्क्वैश, सारे तरीके के स्पोर्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, तो रिसर्च में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डेफिनेटली यार सारी फैसिलिटीज वगैरह मिल रही होती है, इंक्यूबेशन सेल भी है, स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट किया जाता है यहाँ पे भी। इसके अलावा यार कैंटीन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपका, स्टेशन शॉप, जेरॉक्स शॉप, हेल्थ सेंटर, बैंक, ATM, ये सारी चीजें यार कैंपस में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इन सब चीजों के अलावा कुछ चीजें बताऊं तो यूनिफॉर्म देखने को मिल जाती है इस पर्टिकुलर कॉलेज में, जो आपको मंडे और थर्सडे को पहननी पड़ती है। इसके अलावा यार प्रॉपर आर्मी वाला कल्चर देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए अगर आप एक किसी पर्टिकुलरली आर्मी कॉलेज में जा रहे हो। तो ये हो जाता है यार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ओवरऑल सारी चीजें। इसके बाद यार फीस स्ट्रक्चर में बड़े यहां पे आप लोग देख सकते हो, इंस्टीट्यूशन फीस रहती है आपकी 210,000 रुपीस पर ईयर, इसके अलावा हॉस्टल प्लस मेस की फीस रहती है 95,000 रुपीस पर ईयर, तो काफी डिसेंट लेवल की फीस देखने को मिल जाती है। स्कॉलरशिप भी यहां पे यार काफी ज्यादा तरीके की प्रोवाइड कर रखी होती है, तो यहां पे अगर मैं करता ना तो 4-5 पेज भर जाते, इसलिए मैंने यहां पे नहीं डिस्कस किया। ये पर्टिकुलर लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपका लिंक खुल जाएगा, वो पर्टिकुलर वहां से आप लोग देख पाओगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये पर्टिकुलर लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग चेकआउट कर पाओगे। ये हो जाता है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं अपने हॉस्टल के ऊपर, हॉस्टल की बात करूं तो अगेन यार आर्मी वालों का हॉस्टल है, तो आर्मी वाली प्रॉपर यहां पे भी वाइब आप लोगों को आ रही होगी। यहां पे यार 7 बॉयज हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं, 1 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाता है, ओवरऑल बीटेक एमटेक वगैरह जितने भी आपके सारे हॉस्टल्स होते हैं सबको मिला के गर्ल्स टू बॉयज रेशियो की बात करूं 1:6, 1:7 के आसपास देखने को मिल रहा होगा। बेड टेबल, चेयर, बुकशेल्फ वगैरह, कबोर्ड वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, ट्रिपल एंड डबल और सिंगल शेयरिंग, ये 3 तरह के रूम्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। बाकी यार 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग तरह के भी रूम्स हैं, बट वो काफी कम है, 4-5 टाइप्स, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। वाईफाई फैसिलिटी मिल जाती है तो वो एक अच्छी बात है, और यार स्पीड काफी तगड़ी आ रही होती है, कॉमन वॉशरूम है, क्लीननेस वगैरह रखी जाती है, बाकी रूम्स वगैरह भी आपके रेगुलर बेसिस पे क्लीन किए जा रहे होते हैं, कॉमन रूम्स मिल जाएंगे जहां पे टीवी वगैरह लगा होता है। इन सब चीजों के अलावा आप लोगों को टेबल टेनिस मिल जाता है, पूल
पूल टेबल मिल जाता है और जिम देखने को मिल जाता है गर्ल्स हॉस्टल में भी, बॉयज हॉस्टल में भी, तो वो एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। मेस फूड की बात करूं तो आपका एक डिसेंट लेवल का मेस फूड रहता है, काफी अच्छा, जैसे एक प्रॉपर आर्मी वालों का खाना रहता है वैसे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। बाकी कर्फ्यू टाइमिंग यहाँ पे मेंशन मैंने करना भूल गया, आपका 10 बजे का यार कर्फ्यू टाइमिंग रहता है पर्टिकुलरली हॉस्टल का। तो ये हो जाता है हॉस्टल के बारे में सारी चीजें। अब आ जाते हैं अपना फेस्ट क्लब्स वगैरह पे। यहाँ पे यार फेस्ट जो मेरे को एक दिखा मेन इनका यार स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, दैट इज पेस, काफी तगड़ा फेस्ट मान जाता है। क्लब्स की बात करूं काफी सारे क्लब्स हैं यहाँ पे भी यार, फाइन आर्ट क्लब, टेक्निकल क्लब, एनएसएस, रोबोटिक्स, मैथ्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, साई क्लब, प्रोग्रामिंग क्लब, साइकिलिंग क्लब, क्वांटम क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, इसके अलावा भी यार 5-7 क्लब्स और देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली यार आप लोग जाया करो, पार्ट ले करो, आपकी काफी सारी नेटवर्किंग स्किल्स पड़ती है जो कि यार डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर में ना बहुत ज्यादा काम आती है। अटेंडेंस की बात करें तो यार 75% का आपको स्ट्रिक्ट अटेंडेंस देखने को मिलता है। बाकी यार अगर आप लोग क्लासेस वगैरह में लेट होते हो, काफी तरीके के यहाँ पे यार फाइन आप लोगों को देखने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि एक आर्मी वाला कल्चर जैसे मैंने आपको बताया वो प्रॉपर इनकॉर्पोरेट किया जाता है आप लोगों में। तो इस वजह से यार आप लोगों को प्रॉपर पंचुअल रहना पड़ेगा, इन टाइम रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है इस कॉलेज के बारे में, मैंने सारी चीजें अच्छे से कवर कर दी है, मेरे को नहीं लगता कोई भी डाउट रहा होगा। बाकी यार अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो को देख लिया डेफिनेटली लाइक का बटन दबाना, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपने सजेशन भी लिख सकते हो, मैं 24 आवर्स में सबको रिप्लाई दे रहा होता हूँ कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ यार चैनल नहीं सब्सक्राइब किया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हम सारे के सारे MSTCT के कॉलेज, पुणे के कॉलेजेस, मुंबई के कॉलेजेस और साथ के साथ कॉमेट के कॉलेजेस, IIITs ऑलरेडी हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं, NIITs भी कवर कर रहे हैं। तो यार ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं इस चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो दबा के शेयर कर दिया करो। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहां पे भी यार DM करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, थोड़ा ज्यादा इजी रहता है वहां पर रिप्लाई करना। तो यार इतना ही था बस इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी इस बर्स नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।